बिहार के गया में नीतीश कुमार ने आखिरकार शिवानी को गर्भवती कर छोड़ दिया। शिवानी भी पीछे कहां हटने वाली थी। शिवानी ने महिला थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवा दी, जिसके बाद गया पुलिस ने नीतीश कुमार पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दे डाला। लगातार छापेमारी के बाद आनन फानन में नीतीश ने सरेंडर कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिसिया दबाव में नीतीश कुमार शादी करने के लिए राजी हो गया। तब जाकर दोनों के परिजनों के सामने गया के महिला थाना प्रभारी रवि रंजना कुमारी के नेतृत्व में प्रेमी जोड़े की महिला थाना परिसर में बने मंदिर में शादी करवा दी गई। दरअसल में कहानी बिल्कुल फिल्मी है। शिवानी की फुफेरी बहन की शादी में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, तभी से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों परिवार वालों से चोरी छिपे मिलने लगे। इसी दरमियान नीतीश का प्यार शिवानी के पेट में पलने लगा। एक दिन अचानक शिवानी की हालत खराब हो गई। आनन फानन में परिवार वालों ने शिवानी को डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर पहुंचे, जहां शिवानी के प्यार की कहानी का पर्दाफाश हो गया। शिवानी के परिवार वालों ने नीतीश के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाया था। नीतीश पर पुलिसिया दबाव के कारण नीतीश शिवानी से शादी करने पर मजबूर हो गया। पिछले साल नवंबर माह से चल रहे शिवानी और नीतीश के बीच का प्यार तीसरे के आने के पहले शादी में तब्दील हो गया। गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मखदुमपुर से गया हमको यही लेकर के आए थे। अच्छा, रूम पर एक जिया जी थे, वही हमको लेकर के गए थे इनके रूम पे। थाना तक कैसे पहुंच गए आप? थाना तक पहुंचे हम जब इनको बताया कि ये हाल है तो ये इनकार कर दिए। क्या हुआ आपके सर, क्या बता दीजिए। हाँ, क्या थाना तक कैसे पहुंचे? ये सब मैटर इनको बताया तो ये इनकार कर दिए, तो हम जैसे माँ पापा को भी नहीं गए। जब माँ पापा अल्ट्रासाउंड कराए तो माँ पापा को पता चला। क्या निकला अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड में 8 महीने का प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी है। उसके बाद फिर लड़के वाले क्या बोला जब शादी के लिए बातचीत हुआ, क्या बोला? तो भी नहीं बोल रहा था। तो फिर आप उसके बाद आप लोग थाना में? थाना में आने के बाद क्या हुआ? थाना में आने के बाद हम लोग दोनों का शादी हुआ। कहाँ शादी हुआ? विष्णुपत मंदिर में। क्षेत्र की रहने वाली एक महिला शालिनी कुमारी 19 वर्ष की थी, बालिक बच्ची, जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से लगभग 9 महीने पहले एक शादी समारोह में मिली थी, और वो लड़का नीतीश कुमार जो है मखदुमपुर का रहने वाला है, और प्रेग्नेंट होने की खबर सुनने के बाद वो उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया था। तो शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें वो जब लड़की हमारे सामने आई तो वो इच्छुक थी कि वह शादी ही कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर हमारे पहल से लड़के को बुला करके और दोनों के बीच बातचीत कराई गई, जिससे दोनों पक्ष जो है शादी करने के लिए तैयार हो गए, और आज विधिवत विष्णुपद मंदिर में थाने के सहयोग से शादी करा दी गई और थाना से विदा किया गया। दोनों अभी राजी खुशी शादी करके अपने घर चले गए। पहले लड़का तैयार था जी? बिल्कुल पहले तैयार नहीं था। लड़की ने जब अपने प्रेगनेंसी की बात लड़के को बताई, घर वाले को बताए, तो लड़का पहले तैयार नहीं था। यहाँ थाना में बुलाया गया लड़के को, और लड़का आया, बात को समझा, उसके बाद वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। शादी से उनके दोनों परिजन थे वो खुश हैं जी? शादी से दोनों घर के परिजन बहुत खुश हैं।